अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए मगज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, लेकिन इस रेसिपी में एक एक पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी पूरी रेसिपी देखेंगे और इसको अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है। मैंने इधर 3 मगज़ लिए हैं जो बकरे के हैं, साथ ही मैंने 5 से 6 टेबलस्पून जो है देसी घी का लिया है। आप अगर चाहें तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये देसी घी में बने तो बहुत ही मज़े के बनती हैं। 5 से 6 मैंने हरी मिर्ची ली है, जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक लिया है, थोड़ा सा मैंने 1 टेबलस्पून के लिए हाथ से मैंने अदरक लिया है, जिसको मैंने स्लाइसेस में लंबा लंबा काट लिया है। साथ ही मैंने इधर 1/2 प्याज लिया है, हमारे 3 मगज़ थे तो मैंने उसके लिए 1/2 प्याज जस्ट लिया है। इधर मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और साथ ही मैंने 250 ग्राम जो है हरा प्याज लिया है। अब हम सबसे पहले अपने मगज़ को साफ़ कर लेते हैं। मगज़ की सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने एक मगज़ आराम से ऐसे पकड़ना है और इसके ऊपर ये जो वेन्स और झिल्ली टाइप है, इसको हमने उतारते जाना है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह का गंध हमने सारा इस मगज़ के ऊपर से साफ कर लेना है। ये देख सकते हैं, ये दो अभी साफ़ करने हैं और ये मैंने साफ़ करके रख दिया है। कितना डिफरेंस है, इसके ऊपर से भी अभी हमने ये सारी वेन्स इनकी उतार लेनी है। लेकिन आपने इस एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे मगज़ बिल्कुल टूटने नहीं चाहिए। हमने ये बकरे के मगज़ अब बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ कर लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 3 ग्लास के लिहाज से हम पानी शामिल करेंगे। अब जब इसमें उबाल आने लगेगा तो हम अपने इसमें मगज़ शामिल करेंगे। जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है, हमने इधर एक पैन रख लिया है, इसमें थोड़ा सा हम नॉर्मल कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून के लिहाज से। हमारा ऑयल इधर गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर अपनी ये 1/2 कटी हुई प्याज शामिल करते हैं। अब हमारा इधर प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, हम इसके अंदर अपना ये लहसुन शामिल करते हैं, जो हमने 1 टेबलस्पून लिया था। इधर हमारा पानी बिल्कुल बॉयल होना शुरू हो गया है, इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, हम इसके अंदर अपने ये मगज़ शामिल करेंगे। हमने इसके बाद बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना और हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसमें बॉयल करना है। इसको हम इसलिए बॉयल करेंगे क्योंकि इसकी हम सारी स्मेल मार देंगे और इसका ये गंदा पानी हम फिर गिरा देंगे। ये इसकी बहुत अहम टिप है। अब हमारा इधर लहसुन भी हो गया, हम इसमें अपने ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करते हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक नरम होने देंगे। हमारे टमाटर इधर बिल्कुल नरम हो गए हैं, हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं अपने सारे मसाले को। हमने ये सारा मसाला ब्लेंडर में डाल लिया है, अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। अब हम अपने इस खाली पैन में अपना ये सारा देसी घी डालेंगे। अब हमारा इधर देसी घी भी मेल्ट हो गया है, अब हम इसके अंदर जो हमने ब्लेंड की हुई प्यूरी बनाई थी उसको शामिल करेंगे। अब हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे और हमने अपना फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। साथ ही हमारे इधर मगज़ को 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं और इसको एक जाली में निकाल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर सिरका डालेंगे 2 टेबलस्पून के लिहाज से, हमने सारा सिरका अच्छे तरीके से डाल देना है। साथ ही इधर हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है, हमने अपने मसाले को बिल्कुल हल्की आंच पे तैयार करना है ताकि इसका मसाला बहुत ही मज़े का रेडी हो।
अब ये देखिए हमारा मसाला इधर अच्छे तरीके से भुना गया है, इसको 5 से 6 मिनट लगे हैं भूनते हुए। अब हम इसके अंदर अपनी स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून में नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून में सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में हल्दी ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इधर मगज़ को 5 से 10 मिनट्स हो गए हैं सिरका लगाए हुए, अब हम इसको हल्का सा वॉश कर लेते हैं। अब हमने अपने मगज़ तब शामिल करने हैं अपने इस मसाले में जब हमने सर्व करना है। सर्व करने से सिर्फ 5 मिनट्स पहले हमने अपने मगज़ उसमें शामिल कर लेने हैं। अब हमारा मसाला इधर बिल्कुल रेडी है, इसके अंदर हम अपने ये मगज़ शामिल करते हैं और इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमारे मगज़ टूट ना जाए। अब ये मिक्स हो गए हैं, अब हम इसके अंदर अपना ये हरा प्याज शामिल करते हैं, साथ ही हम थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे, साथ ही हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे और अदरक शामिल करेंगे। अब इसको हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, इसको अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।